नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना में। आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL वैकेंसी 2024 के बारे में। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के तरफ से यहाँ वैकेंसी निकाला गया है, तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। ये है इसका नोटिफिकेशन बिहार स्टेट पावर। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है और पांचों पोस्ट मिला के यहाँ पे 2600 से भी ज़्यादा वैकेंसीज रखा गया है। तो एक एक करके यहाँ पे सारे पोस्ट के बारे में देखेंगे। पहला पोस्ट है यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसके लिए 2000 रखा गया है और यहाँ कैटेगरी वाइज में वैकेंसीज को बांट दिया गया है। जैसे यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ देख सकते हैं कितना है, EWS के लिए, SC के लिए, ST के लिए, EBC और BC के लिए रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है, मस्ट है पास मैट्रिक आपको यहाँ पे पास किया हुआ होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मस्ट है 2 ईयर्स का ITI कोर्स किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड में आपको ITI का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से। प्रोबेशन पीरियड जो है आपका 2 साल का रहेगा। यहाँ पे आपका पेमेंट बताया गया, पे बैंड आपका 9200 से लेके 15500 रुपया तक मिलेगा। एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 से 37 साल रखा गया है, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल होना चाहिए। यहाँ एज में छूट भी मिलेगा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 5 साल तक का छूट मिलेगा। EBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का, BC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उन लोगों को भी यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ बताया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले लोगों को यहाँ पर 1500 रुपया लगेगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लोगों को 1500 लगेगा, और जो SC ST दिव्यांग व्यक्ति हैं उन लोगों को यहाँ पे 375 रुपया लगेगा, और फीमेल कैंडिडेट लोगों के लिए भी यहाँ 375 रुपया लगेगा। मोड ऑफ सेलेक्शन, कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर मार्क्स बताया गया, कम से कम जनरल वाले लोगों को यहाँ पर 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, BC वाले लोगों को यहाँ पे 36.5% मार्क्स, EBC वाले लोगों को 34%, SC ST फीमेल कैंडिडेट जो हैं उन लोगों को 32% मार्क्स लाना ज़रूरी है। यहाँ पे डेट बताया गया, ये फॉर्म जो है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल तक रहेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाकर यहाँ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम बताया गया, वो मई और जून में लिया जाएगा। यह है दूसरा पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसके लिए 40 रखा गया और यहाँ कैटेगरी वाइज में वैकेंसीज को बांट दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 4 ईयर्स का इंजीनियरिंग डिग्री किया हुआ होना चाहिए, BE, BTEC या फिर BSc किया हुआ होना चाहिए, सेम ट्रेड से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। मिनिमम परसेंटेज यहाँ मांगा गया है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स के साथ आपको डिग्री कम्प्लीट किया हुआ होना चाहिए। SC ST से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स के साथ, BC EBC से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स के साथ आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं और वैलिड गेट स्कोर से भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है यहाँ 3 साल का रहेगा। पेमेंट आपको यहाँ पर 36800 से लेकर 58600 रुपया मिलेगा। एज यहाँ पर मिनिमम 21 रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल रखा गया है। यहाँ एज में छूट भी मिलेगा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट, EBC, BC और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल तक का छूट मिलेगा। फिर यहाँ तीसरा पोस्ट जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है इसके लिए 40 रखा गया है और कैटेगरी वाइज में यहाँ पर बांट दिया गया है। क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम 3 ईयर्स डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुआ हो AICTE के द्वारा। प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पे 3 साल का रहेगा। पे बैंड जो है आपको 25900 से लेकर 48900 तक मिलेगा मंथली। एज यहाँ पे 18 से 37 साल रखा गया, मिनिमम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल रखा गया, और यहाँ एज में आपको छूट मिलेगा। फिर यहाँ पे 14 पोस्ट जो है कॉरस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर क्लर्क के लिए यहाँ रखा गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लर्क के लिए टोटल यहाँ 150 वैकेंसीज हैं और स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 वैकेंसीज हैं, और यहाँ कैटेगरी वाइज में वैकेंसीज को बांट दिया गया है। कॉरस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन जो है आपको ग्रेजुएट कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का यहाँ पे मांगा गया है। पेमेंट जो आपको मिलेगा इसके लिए 9200 से लेके 15500 तक,
और यहाँ पे एज बताया गया है मिनिमम 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल होना चाहिए। यहाँ एज में आपको छूट भी मिलेगा। फिर आपका यहाँ जो पांचवा पोस्ट है जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए 300 रखा गया है और टोटल मिला के यहाँ पे 2610 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन जो इसके लिए मांगा गया है वो ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए कॉमर्स से। प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पे 2 साल का रहेगा। पेमेंट जो आपको इसके लिए मिलेगा 9200 से लेके 15500 तक। मिनिमम 21 साल रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल रखा गया है और एज में यहाँ पे छूट मिलेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाके यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।